स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास ट्वेल्थ आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। तो आपको ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो इसी नोट पे क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक में से 3D चैप्टर, दैट इज 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर के शॉर्ट आंसर पार्ट 1 देख चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर पार्ट 2। इसका मतलब जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना, उन सब को आज इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ आप लोग। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट मीट्स अ प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो क्वेश्चन देखो आप, कहां से लाइन ड्रॉ किए ने, इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, आपने एक लाइन बनाई है इस पॉइंट से, नाम दे देती हूं मैं इसको ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1 एंड -3। ओके, सो इस पॉइंट से हमने ड्रॉ की है एक लाइन, तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन प्लेन को मीट कर रही है राइट एंगल पे, तो यहां एक प्लेन बना लो आप, सपोज दिस इज अ प्लेन। ओके, तो इस प्लेन को ना ये राइट एंगल पे मीट कर रही है एट द पॉइंट 1-3, 3। किस पॉइंट पे ये मीट कर रही है, एट द पॉइंट 1-3 एंड 3। इस पॉइंट पे आपकी ये लाइन प्लेन को क्या कर रही है, मीट कर रही है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लो, इसका आंसर लेकर आ जाओ। छोटी सी बात है, यहाँ पे क्या समझना है, हल्का सा ना एक रफ फिगर बना लिया करो आप लोग। रफ फिगर बनाओगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से इमेजिन हो जाएगी। इन लोगों ने कहा है कि इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ की है, -2, -1, -3, और ये जो लाइन है ना आपके इस प्लेन को राइट एंगल पे मीट करती है किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम है 1-3, 3। ओके, अब प्लेन पे है आपका पॉइंट बी, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ। तो कौन सी इक्वेशन आपको याद आ रही है, आप लोगों ने प्लेन में इतनी सारी इक्वेशन याद की है, कौन सी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, याद करो। मैम, एक हमने वो इक्वेशन याद की थी जहां पे हमारा प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करता था एंड परपेंडिकुलर होता था उस पर कोई नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, एंड और उस पर क्या एक नॉर्मल वेक्टर आप परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते थे। आई थिंक सेकेंड टाइप की इक्वेशन थी जो सबसे ज्यादा यूज में आती है। क्या इक्वेशन थी वो, अगर मैं उसका वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो r·a·(n·0) याद आया। यहाँ पे ए पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जहां से आपका प्लेन पास करता है, तो आपका प्लेन यहाँ पे इस पॉइंट से पास कर रहा है क्योंकि इन लोगों ने बोला है ये पॉइंट आपके प्लेन पे, मतलब आपका प्लेन इस पॉइंट से पास तो कर रहा है। और एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर आपका नॉर्मल वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है प्लेन पे, तो आपका एन वेक्टर इस क्वेश्चन में कौन है, ए बी वेक्टर। तो सब कुछ तो आपके पास है, आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास एन वेक्टर है, आपके पास फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज आके इसमें डालो और अपनी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाल लो। कौन सी इक्वेशन चाहिए इन लोगों को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब भी ये लोग बोले ना इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ, तो आप कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन बताया करो। ठीक है, तो मैम ये तो वेक्टर है, अरे कार्टेशियन बना लो, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर लेना, या फिर अभी इसे कार्टेशियन इक्वेशन बना लो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब मैंने वेक्टर लिख ही दिया है, चलो मैं इसका वेक्टर फॉर्मेट बताती हूँ आप लोगों को। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर आपको इससे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको i·(-3, j·+3, k·), ये बन गया आपका ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे आपका प्लेन पास कर रहा है। फिर जल्दी से आप लोग ना ए बी वैक्टर निकाल लो। ए बी वैक्टर कैसे बनाओगे, ए बी, सो टर्मिनल माइनस इनिशियल, सो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1-2, यानी कि 3i·(-3, -1), तो -3 + 1 यानी कि -2, तो यहां लिखेंगे -2j·+3 -3, सो 3 + 3 यानी कि 6, तो ये रहा आपका 6k कैप। ठीक,
अब ये जो आपका ए बी वेक्टर है ये किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, आपका ए बी वेक्टर यहाँ पे एन वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन पे। ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर भी तो वही है, साफ साफ समझ में आ रहा है। सो आपका ए बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे एन वेक्टर है। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन सामने रखी है, वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सो माइनस आई कैप, सबके साइन बदल जाएंगे, प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है आपका, ये लिखा है, सो दिस इज थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ तक सब ठीक, हमने क्या किया, बस वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया। अब कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो r की वैल्यू लिख दो आप लोग, r की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस फिगर को हटा देती हूँ मैं, आई होप सबको समझ में आ गया है, और डायरेक्टली अपने इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं अपन, ठीक। सो r वेक्टर कौन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। माइनस में क्या लिखा है, माइनस आई कैप, सबके साइन बदल गए थे, सो प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप, ओके, इसका डॉट आपने लिया है इससे, और ये क्या है, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप इक्वल टू जीरो, ओके। अब ये वेक्टर अलजेब्रा तो आप लोग जानते हो, एक्स आई माइनस आई, तो एक्स माइनस वन आई कैप बाहर ले लोगे आप, ठीक है, सो एक्स माइनस वन आई कैप। इसके बाद यहाँ पे और इसका ले लो तो क्या मिलेगा आप लोगों को, y प्लस थ्री, और ये रहा आपका j कैप, ये z है, ये माइनस थ्री है, तो प्लस z माइनस थ्री k कैप, ठीक है। अब क्या करना है, डॉट में जो टर्म लिखा है उस टर्म को आप पूरा लिखो, तो क्या लिखा है, थ्री i कैप माइनस टू j कैप प्लस सिक्स k कैप, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, सब ठीक है। अब क्या करोगे, डॉट ले लोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आप जानते हो, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो इन लोगों का डॉट लो तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा थ्री एक्स माइनस वन प्लस, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस टू लिख दो ना अभी से ही, माइनस टू, फिर ये वाला ब्रैकेट वाई प्लस थ्री प्लस सिक्स जेड माइनस थ्री, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, सब ठीक। अब क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस थ्री माइनस टू वाई माइनस सिक्स प्लस सिक्स जेड माइनस एटीन, दिस इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करो, कितनी इक्वेशन आ रही है, 3x माइनस टू वाई प्लस सिक्स जेड, 3x माइनस टू वाई प्लस सिक्स जेड, ओके, जितने भी कॉन्स्टेंट है इनको ले लो तो कितना आएगा, ये माइनस एटीन एंड माइनस नाइन, माइनस एटीन माइनस नाइन कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस ट्वेंटी सेवन, ओके, सो दिस इज माइनस ट्वेंटी सेवन, वहाँ ले गए तो प्लस ट्वेंटी सेवन। तो ये आ रही है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये वो प्लेन की इक्वेशन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा था वन माइनस थ्री थ्री, और उस पर एक लाइन थी जो परपेंडिकुलर थी, उस लाइन ने किसका रोल प्ले किया, उस लाइन ने नॉर्मल वेक्टर का रोल प्ले किया। तो एक हल्का सा अगर आपने रफ फिगर बना लिया ना तो आप हर एक चीज़ समझ जाओगे, आपके पास सारे फॉर्मूलेज होंगे, आपको बस सब्स्टिट्यूशन करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है और आंसर लेके आना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैम आपने पहले ही कार्टेशियन फॉर्म में क्यों नहीं किया, अरे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, तो इसका तो स्क्रीन शॉट ले लो फिर चलो मेरे साथ, डन, ओके। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। इन तीन पॉइंट से आपका प्लेन होके गुजर रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन बता दो। तो आपके पास देखो सीधे इनने बोला है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन आप बताओगे। अब प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है तीन पॉइंट से। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जहाँ आपके पास तीन पॉइंट हो और आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है? यस मैम, हमने पढ़ा है। क्या था फॉर्मूला? जब आपका प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है ना, तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन,
x3 माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, यहाँ लिखोगे z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. तो जब आपका प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है तो ये फॉर्मूला होता है. याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है. लेकिन मैम आपको कैसे पता ये तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर है? तो चेक कर लो आप लोग. अगर इन तीनों पॉइंट के अगर मैं डी आर्स निकालूँ, ठीक है, मान लो ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है. मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये जो तीन पॉइंट इन्हें मुझे दिया है ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर, तो मैं चेक कर लूँगी. ठीक है, कैसे चेक करते हैं? आप लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ए बी का. ए बी का डी आर निकालो. सो थ्री माइनस टू यानी कि वन, इसका निकालो. माइनस टू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री, इसका निकालो. सो दिस इज माइनस टू. ये सब याद है ना आपको? दो पॉइंट अगर गिवन है तो डी आर कैसे निकालते हैं, मैंने पूरे फॉर्मुलेज आपको बताए हैं. ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको सारे फॉर्मुलेज याद हैं. इसके बाद आप डी आर निकाल लो किसका? बी सी का. बी सी का डी आर निकालो. सो बी सी का डी आर कैसे आएगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल. सो तीन माइनस तीन आपको मिला जीरो. वन माइनस माइनस टू यानी कि तीन. सेवन माइनस माइनस टू यानी कि नाइन. क्या आपको ये जो डी आर्स हैं ए बी और बी सी के प्रपोर्शनल नज़र आ रहे हैं? नहीं, दे आर नॉट प्रपोर्शनल. प्रपोर्शनल नहीं मतलब पैरेलल नहीं है. पैरेलल नहीं है, साथ ही देखो ये दो, ये जो बी पॉइंट है दोनों में कॉमन था. अब पैरेलल ही नहीं है तो कोलिनियर भी नहीं है आपका. ठीक है, कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो तीन पॉइंट हमें गिवन है कैसे हैं? वो नॉन कोलिनियर है. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट का ये फॉर्मूला आप अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे और प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे. क्या ये बातें समझ में आ रही है? सब ठीक है? ओके, तो मैं इसको हटा सकती हूँ अब. और हमने चेक कर लिया है, यस, मेरे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है. फॉर्मूला लगाओ, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, आपके सामने इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी. ठीक है, सो सिंस डी आर ऑफ ए बी एंड बी सी आर नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट पैरेलल, हैंस नॉट कोलिनियर, देयरफॉर नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर ये रहा फॉर्मूला. अब एक काम सुनो आप लोग, ये तीन पॉइंट ऐसे गिवन है ना, इसे x1 y1 z1, x2 y2 z2 और वो x3 y3 z3. ठीक है, उसी सीक्वेंस में इनकी नंबरिंग करी है मैंने. तो यहाँ पे डाल देती हूँ मैं सारी वैल्यूज को, देखो मुझे क्या मिलेगा. x माइनस x1 कौन है? 2. ओके, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 माइनस 2 क्या? माइनस 2, सॉरी x2 कौन है आपका? तीन. चलो यहाँ लिख ही देते हैं सो दैट कोई कन्फ्यूजन किसी को ना हो. ये क्या है आपका? x1, y1, z1. ठीक है, दिस इज योर x2, y2, z2. ये क्या है? x3, y3, z3. चलो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2 मतलब कि 1, यहाँ रखो. फिर x3 माइनस x1, x3 क्या है? 3. x1 क्या है? 2. सो 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो आपने रखा 1 यहाँ पे. फिर y माइनस y1, तो ये लिखो y माइनस y1 क्या है आपका? 1. ओके जी. फिर y2 माइनस y1, तो माइनस 2 माइनस 1 यानी कि कितना? माइनस 3. फिर y3 माइनस y1, y3 सबसे लास्ट में यहाँ 1 माइनस 1, ये तो जीरो हो गया, तो होने दो, हो रहा है तो. y3 माइनस y1 क्या है? 1 माइनस 1, दैट इज 0. z माइनस z1, z1 क्या है आपका? 0, तो z माइनस 0 यानी कि z. z2 माइनस z1, z2 कितना है? माइनस 2, माइनस 0 यानी कि माइनस 2. अच्छा देखो ये z है, ओके, और ये 2 बनाया है, तो 2 को थोड़ा अलग बना देते हैं अपन ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. z3 माइनस z1, z3 कितना है? 7, z1 कितना है? 0, तो यहाँ लिखा 7 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0. बस दो सेकेंड में आपका आंसर आने वाला है. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, आपको आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगी. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट तो हम सॉल्व करना जानते ही हैं, हमने तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा है. तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ लिखो x माइनस टू, इसे इसे हाइड करो. माइनस थ्री सेवन जा कितना? माइनस ट्वेंटी वन. फिर माइनस जीरो, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, मत लिखो. यहाँ नेगेटिव का साइन आता है. यहाँ पे क्या लिखा है? y माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करो, इसे और इसे हाइड करो. वन इंटू सेवन आपको मिला सेवन, माइनस वन इंटू माइनस टू
आपको मिला माइनस टू, तो ये हो जाता है प्लस. इसके बाद प्लस यहाँ लिखा है z, ओके, ब्रैकेट ओपन कर लो आप, इसे और इसे हाइड करो. वन जीरो जा जीरो, माइनस वन इंटू माइनस थ्री, माइनस थ्री यानी कि प्लस थ्री, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो. क्या किसी को कोई परेशानी? यहाँ तक सब समझ में आया? ठीक है, सॉल्व कर लो अब इसको, बस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप. कितना मिलेगा? ये टू है, इसे जेड ना समझे. सो ये है आपका माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस 42. ठीक है, सात प्लस दो कितना? नौ, तो नौ ही लिखो ना, मल्टीप्लीकेशन करो. ये कितना है? 42 ना, टू को ऐसा बना देते हैं अपन. सो दिस इज माइनस नाइन वाई प्लस नाइन. ठीक है, यहाँ पे कितना मिला? प्लस तीन, और ये रहा आपका z, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है, इक्वेशन कुछ अच्छी लग नहीं रही अभी, है ना. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसमें. तो कैसे लिखेंगे हम इसे? माइनस ट्वेंटी वन एक्स माइनस नाइन वाई प्लस थ्री, ये लिखा आपने z. हम कैसा z बना रहे हो? चलो ठीक है, अच्छा बनाते हैं. थ्री, ठीक, माइनस ट्वेंटी वन एक्स माइनस नाइन वाई प्लस थ्री जेड, 42 प्लस 9, 51. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 51. अब थोड़ा नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो. अच्छा, तीन को कॉमन ले सकते हैं ना, तीन कॉमन ले लो, सब में तीन कॉमन आ जाएगा, ये सही रहेगा. माइनस तीन कॉमन लो आप. माइनस थ्री बाहर निकाला, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7x प्लस 3y, और इसका साइन बदल के माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 51. ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 51 बाई 3 आप डिवाइड कीजिए तो आपको कितना मिलेगा? इसको यहाँ से हटाया गया, माइनस तीन आपका यहाँ आया. ठीक है, सो माइनस माइनस चला गया, 3 वन ज़ा 4 5 3 7 ज़ा 21 यानी कि 17. तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 17. तो ये आ रहा है आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन. क्या किसी को कोई परेशानी? अब इन ब्रैकेट्स को आप हटा सकते हो यहाँ से, आंसर आपके सामने है. तो तीन पॉइंट्स अगर आपको दे देते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन टफ नहीं है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो 100% क्वेश्चन टफ लगेगा आपको. ठीक, सो फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो. तीन पॉइंट दिया है, चेक कर लेना पहले कोलीनियर है या नॉन कोलीनियर है. नॉन कोलीनियर है तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे. ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप ले चुके हैं. आ जाइए, रीड करो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से. इजी क्वेश्चन है, बस समझना है आप लोगों को. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है, थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट एंगल्स ऑफ पाई बाई थ्री ईच. तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे. सपोज ये रही मेरी लाइन, कैसी है ये? एक्स माइनस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू z अपॉन वन. ये रही मेरी लाइन. अब ध्यान से सुनना, आपको दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू द ओरिजिन. सपोज करो कि ये रहा आपका ओरिजिन. ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स तो आप लोग जानते ही हो, 0 0 0. ओरिजिन से निकली है दो लाइंस, और वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो एंगल बना रही है पाई बाई थ्री ईच. बोला है इसका मतलब क्या कि ये इधर से आ रही थी, ये इधर आ रही थी, और यहाँ पे भी पाई बाई थ्री एंगल बनाया है, और यहाँ पे भी ये पाई बाई थ्री एंगल बनाया है. सपोज करो कि ओरिजिन से आने वाली लाइन जो आपकी इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ए. ये रहा आपका ए पॉइंट. फिर से सपोज करो ओरिजिन से आने वाली लाइन जो इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट बी पे. ठीक है, अब एक बार ये फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है. अब फिर से ना अपने इस क्वेश्चन को रीड करो और जरा बताओ ये डायग्राम क्लियर है. मैम ओरिजिन वहां कैसे पहुंच गया? अरे रफ फिगर है, अगर आप बिल्कुल एक्स वाई जेड एक्सेस बना के करना चाहते हो वो भी चलेगा. ठीक है, ये हमने रफ फिगर बनाया, तो अब बस समझने के लिए ये. ठीक है, ओके जी. सो फिर से रीड करो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस, मतलब ओ ए एंड ओ बी की हमें इक्वेशन चाहिए. ये ओ ए एंड ओ बी कहाँ से आया है? ओरिजिन से आया है, और इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को. तो हाँ, ओ ए ओ बी ओरिजिन से आया
और उसने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया एट एंगल पाई बाई थ्री ईच. तो ए पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट किया है पाई बाई थ्री एंगल बना रहा है, बी पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट किया है दैट इज पाई बाई थ्री एंगल बना रहा है. फिगर क्लियर है, डायग्राम एकदम ठीक है. चलो अब बारी है इक्वेशन की. अब आप कहोगे मैम 3D पढ़ रहे हैं और 3D में अगर लाइन की इक्वेशन बनानी है ना, तो हमारे पास दो टाइप की लाइन हमने पढ़ी थी. एक हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर पढ़ा था, और एक हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उसमें से भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं. और यहाँ हमें लग रहा है कि जो सेकंड वाला है ना वो रोल में आएगा, वो पिक्चर में आएगा, है ना. आप देख सकते हो ओ पॉइंट, ओ पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 0 0. अगर मैं अपनी ओ ए लाइन की बात करूँ तो ओ ए लाइन में ओ के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है नहीं. तो क्या मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं. ये लाइन गिवन है ना, इस लाइन में से मैं कोई जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ. कैसे? इसे लैम्डा से इक्वेट करके. तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. और मेरी जो लाइन ओ ए है ना वो ए बी पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? पाई बाई थ्री का बना रही है. और सेम ये लाइन यही ओरिजिन से आई है और इसी लाइन पे गिर रही है और बी पे भी पाई बाई थ्री का एंगल बना रही है. तो इसका मतलब ये है कि मैं जो रैंडम पॉइंट लेने वाली हूँ वो या तो ए का होगा या तो बी का होगा. तो बस इसी में आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ? सेकेंड वाली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. लेकिन उससे पहले मुझे सेकेंड पॉइंट को देखना होगा. पहला पॉइंट तो है मेरे पास 0 0 0. सेकेंड पॉइंट यानी कि मैंने ए को पकड़ा, मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? ये ए पॉइंट कहाँ है मेरा? लाइन पे है ना, गिवन लाइन पे. तो बस काम हो गया मेरा, इस लाइन को पकड़ो और जनरल पॉइंट निकाल लो इसकी. तो आप यहाँ लिखेंगे जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन. ऑन द लाइन ले लो, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन. सो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1, z माइनस 0/1 इज इक्वल टू लैम्डा. अब जनरल पॉइंट चाहिए तो लैम्डा से इक्वेट करो. x कितना मिल जाएगा आपको, y कितना मिल जाएगा? यहाँ से x मिल जाएगा आप लोगों को 2λ+3, y मिल जाएगा आप लोगों को 1 × λ मतलब लैम्डा प्लस 3, z कितना मिल जाएगा आपको? z आपको मिल जाएगा लैम्डा. सो ये जो आपको आर्बिटरी पॉइंट मिला, रैंडम पॉइंट मिला फ्रॉम द लाइन, सपोज कर लो वो a के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, सो हमने कह दिया लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a बी, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2λ+3, ओके, λ+3, λ. वो a लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो वो ए पॉइंट आपका लाइन पे ही है. हमने निकाला कोई रैंडम पॉइंट, मान लिया वो ए के कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, तो बना दो इक्वेशन ऑफ द लाइन. आ जाओ जरा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, फॉर्मूला क्या है कोई बताएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, मैं लिख रही हूं आपको फॉर्मूला सोच के रखना है. पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होता है फॉर्मूला बताओ? ठीक है, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन. बस इसी फॉर्मूले को लगा दो OA के लिए, तो आप इक्वेशन ऑफ OA तक पहुंच सकते हो. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ ओ ए कितनी मिल जाएगी आपको? यहां से निकाल लो. लेकिन हम लोग अभी इक्वेशन ऑफ ओ ए नहीं निकालेंगे, कोई बताएगा क्यों? देखो एक्स वन एक्स टू एक्स सब कुछ है आपके पास, लेकिन स्टिल अभी नहीं निकालेंगे इक्वेशन, क्योंकि आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा के साथ है. सबसे पहले हमें अपने लैम्डा को गायब करना होगा. ठीक है, ये इक्वेशन हम डेफिनेटली यूज करेंगे तब जब ये लैम्डा वहां से गायब हो. तो अभी फिलहाल तो इसे हटाओ,
अब हम जरा वर्क करेंगे कि ये लैम्डा की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। तो देखो, ज़्यादा दूर नहीं जाना, अपने डायग्राम को देखो आप लोग। यहाँ पे OA और AB के बीच में एंगल है पाई बाय 3, और आप लोग जानते हो दो लाइंस के बीच में अगर एंगल होता है तो उसमें एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने याद किया है। बिल्कुल सही जवाब। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सही बात है। हमारे पास थीटा यहाँ पे है, कितना है थीटा? पाई बाय 3। OA एंड AB के बीच में एंगल मतलब थीटा कितना है? पाई बाय 3। सो यहाँ पे मैं थीटा को तो रिप्लेस कर दूंगी कॉस पाई बाय 3 से। अब क्या कोई मुझे बताएगा ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 कौन है? देखो, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज हैं, किस किस के? OA लाइन के एंड AB लाइन के। ठीक है, सो इधर ही फाइंड कर लेते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA। OA का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कोई बताएगा क्या? कैसे निकालते हैं OA? O के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, A के भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं। सो A के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं ये लिखे हैं, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो कितना मिलेगा आपको? 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा, यही मिलेंगे आपको OA के DRs, क्योंकि टर्मिनल माइनस इनिशियल और इनिशियल तो आपके जीरो ही है, मतलब जितने भी टर्मिनल वाले पॉइंट हैं वो OA के DR हो गए। ओके, अब आप लोग DR बता दीजिए मुझे AB के। सो AB लाइन के DR क्या होंगे? ये AB लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये जो नीचे लिखे रहते हैं ना, ये DRs होते हैं। सो 2 1 1, तो AB के DR कौन है? 2 1 1। ठीक है, आपके पास सारे DR हैं, आपके पास रिलेशन है, उस रिलेशन में डालो और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। आ जाओ कॉस पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 मतलब 3 1 3 60, कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 आपका हाफ होता है। A1 A2, तो A1 कितना है? ये रहा। A2 कितना है? 2। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो, यानी कि 2 into 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस B1 B2, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो, सो लैम्डा प्लस 3 into 1 प्लस C1 C2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो, मतलब लैम्डा इंटू 1 यानी कि लैम्डा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो इन सबका स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन अच्छे से फटाफट आप लोग करते चलना, तो इसका क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब बस सिंप्लीफिकेशन करो और अपनी लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। तो आ जाओ जल्दी से फाइंड करते हैं अपन। सो दिस इज हाफ इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करते चलो, 4 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा, डिनोमिनेटर में आ जाइए आप लोग। ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, आप लोग चेक करो, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 ए बी, सो 2 2 4 4 3 12 लैम्डा। ठीक है, अब ये अंडर रूट थोड़ा बड़ा चलेगा आपका। अब लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू 4 5 6 अंडर रूट 6, दूसरी वाले में अंडर रूट 6 लिखा हुआ है। अभी इसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन होगा, चलो आ जाओ सिंप्लीफिकेशन करते चलो आप लोग। सो वहाँ पे तो है आपका हाफ इज इक्वल टू, इधर देखो 4 5 6, सो दिस इज 6 लैम्डा, यहाँ पे कितना है? 6 प्लस 3 9। ओके, डिवाइडेड बाय ये रूट 6 को मैं आगे ही लिख देती हूँ, अब दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा ध्यान से देखना। सो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो 4 5 6 6 लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब लैम्डा वालों को पकड़ो, 12 प्लस 6 18, 18 लैम्डा। अब कॉन्स्टेंट को पकड़ो, 9 प्लस 9
अगेन 18, तो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? ऐसा मिल रहा है, एक बार चेक कर ले क्या, 4, 5, 6 एंड दिस इज 6, 7, 8, 18 एंड 18, ठीक है. अब इसको वहाँ, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप लोग, तो ये पूरा उठ के वहाँ जाएगा. सो दिस इज √6 इंटू √6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा प्लस 18, ये सब रूट के अंदर है. 2 और इनको यहाँ ले जाओ तो ये कितना होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 12 लैम्डा प्लस 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया. मैम इससे क्या हो गया, अरे अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, स्क्वायरिंग दोनों तरफ करो, रूट हट जाएंगे, तो कितना मिलेगा आपको, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा प्लस 18. अब यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे कितना मिलेगा आप लोगों को, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है. डायरेक्ट कर दूँ क्या, चलो लिख देती हूँ, 12 लैम्डा प्लस 18, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, यहाँ के तो रूट चले गए, यहाँ पे लग गया होल स्क्वायर. अब 6 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करें, हो सकता है बाद में कैंसिल आउट हो जाए. एक काम करो आप, तो 6 बाहर कॉमन निकालो यहाँ से भी, तो कितना आएगा, 6 बाहर आया, ऑलरेडी 6 था, सो 6 × 6 मतलब 36, यहाँ पे मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब इसका तो मल्टीप्लीकेशन करो यार, 2 × 12 = 24, 24 × 18 कितना आएगा, चेक कर लेते हैं अपन, 24 × 18, 8 × 4 = 32, 16, 19 × 1 = 4, 1 × 2 = 2, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 32. सो यहाँ मिल रहा है 432 लैम्डा, ठीक है इतना सब कुछ. अब यहाँ से भी कुछ कॉमन ले लो आप लोग, क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन तो लेंगे अपन कुछ ना कुछ. सो दिस इज 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लें अपन. मैम पहले कॉमन ले लेते तो थोड़ा इजी हो जाता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी आ जाओ आप. सो एक काम करो, पहले 2 लेते हैं, 144 आ जाओ, पहले 2 ले लेते हैं कॉमन, 4 तो आ ही जाएगा सब में, 4 × 8 = 32, 4 × 1 = यहाँ से 4 × 1 = 08, चलो 4 कॉमन ले लो. सो 4 × 4 = 12, 4 × 6 = 24, + 4 × 8 = 32, 4 × 1 = 4, + 4 × 4 = 4 8 = 32, ठीक है, कितना आया, 4 आया, राइट. और भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लो यहाँ से. सो 9 बाहर निकालोगे आप लोग तो कितना आएगा देखना है ना, अभी 4 निकाला था, अब 9 निकाल रहे हैं. सो 4 × 9 यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो 9 बाहर आया, तो दिस इज 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 × 9 = 81 प्लस 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, ठीक है, 36 आ गया. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा है 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, 36 गायब कर दो आप लोग, तो 36 गायब हो गया, हटा दो, चलो ये गया यहाँ से, कितना आ रहा है अभी, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. सो इस पूरे को यहाँ लेकर आ जाओ, तो दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर. ओके, शिफ्ट किया मैंने, फिर क्या मिला मुझे, 3 लैम्डा, यहाँ पे कोई लैम्डा नहीं था क्या, इधर था ना, ये 12 के पास लैम्डा आ जाएगा, इधर भी लैम्डा था. अब 12 यहाँ पे लेके आइए, सो 3 − 12 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा. ओके, फिर आगे क्या है अपने पास, 3 − 9 − 6, तो यहाँ पे आएगा −6 एंड दिस इज इक्वल टू 0. 3 − 3 कॉमन ले लो, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. ये आ गए आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो कितना, लैम्डा बाहर, सो लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू −1 एंड −2 आ रही है. कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई अपन से,
लेकिन ठीक है, लैम्डा तो मिल गया आपको माइनस वन एंड माइनस टू। अब आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू एक बार ना माइनस वन रखोगे आप यहाँ पे तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, फिर एक बार लैम्डा की वैल्यू माइनस टू दोबारा यहाँ पे रखना तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि देखो कंडीशन तो पूरी सेम है। अब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पक्का ए वाला पॉइंट होगा, दूसरा पक्का बी वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, टू लैम्डा प्लस थ्री, आ जाओ आप यहाँ पे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर। कोऑर्डिनेट क्या थे वैसे हमारे पास, टू लैम्डा प्लस थ्री, ओके टू लैम्डा प्लस थ्री, लैम्डा प्लस थ्री एंड लैम्डा, लैम्डा प्लस थ्री एंड लैम्डा, ओके। एक बार माइनस वन डालो ए का कोऑर्डिनेट, एक बार माइनस टू डालो बी का कोऑर्डिनेट, तो कितना कितना आ रहा है आपके पास, पहले माइनस वन डालते हैं, माइनस टू प्लस थ्री वन, माइनस वन प्लस थ्री टू, माइनस वन, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट निकालो माइनस टू डाल के, सो दिस इज माइनस वन वन माइनस टू, ठीक है। अब आप आसानी से, आपको ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इक्वेशंस ऑफ ओ ए एंड ओ बी कितनी कितनी होगी, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है यहाँ पे ओरिजिन, डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं डायरेक्टली बस फॉर्मूला लगा के आंसर दे रही हूँ। तो एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि वन, y माइनस जीरो वाई टू माइनस वाई वन मतलब टू, z माइनस जीरो माइनस वन, एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई माइनस वन, वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना, ए भाई y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन, फिर z माइनस जीरो डिवाइडेड बाई माइनस टू। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन, ये a एंड b के कोऑर्डिनेट्स हो गए थे, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए थे और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स थे ही आपके पास, तो आप ओ ए की लाइन और ओ बी की लाइन निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले से जो मैंने कुछ सेकंड पहले इरेज किया था। आई होप ये क्लियर है। सो अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना था इस क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करते चलना था, ठीक है। तो पूरा स्क्रीन शॉट लो, अच्छे से सॉल्व करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए और उनके डायरेक्शन कोसाइन नहीं गिवन, उनके डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन गिवन है, और एक तो आपका लीनियर रिलेशन है, एक इनने क्वाड्रेटिक दे दिया है, तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, अब इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं देखो, अगर एंगल चाहिए ना तो एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या हमारे पास ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट, वही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था और ये आपको अच्छे से याद भी रहता है। तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज़ करना चाहती हूँ, लेकिन मैम यहाँ तो डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन है, आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा, और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने डायरेक्टली एल एम एन दे दिया तो हम कुछ सोच सके, बात तो आप ठीक कह रहे हो, तो क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सॉल्व करना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन हमें 10th क्लास में मिलता ना तो हम लोग क्या करते, एल एम एन की ना वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते, तो उसी काम में आप लोग लग जाइए, आ जाओ। यहाँ से मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा किया जाए, दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, अब सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ आपको लॉजिक लगाना होगा सॉल्व करने के लिए, तो एक काम करो पहली इक्वेशन को पकड़ो, पहली इक्वेशन क्या है, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, सपोज एम की वैल्यू निकाली आपने, कितनी आ जाएगी, माइनस एल माइनस एन, और इक्वेशन नंबर टू में एम की जगह पे ना आप ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, तो चलो आ जाओ इक्वेशन टू क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। एल से हमने बात नहीं करी, ठीक है, हमने सिर्फ एम से बात करी है, एम की वैल्यू क्या रखना है, ये रखना है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो माइनस के साइन को ना आप कॉमन ले लो, तो दिस इज माइनस एल प्लस एन, ठीक है। अब इस m की जगह पे इक्वेशन टू, दिस इज माई इक्वेशन वन और ये रही इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में m की वैल्यू मैं यहाँ सब्सिट्यूट कर रही हूँ, तो कितनी आएगी ये, माइनस l प्लस एन का स्क्वायर,
एंड दिस इज माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सब ठीक है. अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. तो दिस इज एल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये ओपन हो जाएगा. तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर प्लस टू एल एन माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो. यहाँ तक सबको कुछ समझ में आया, क्या कर दिया मैंने इतना, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन को पकड़ा, उसमें से एक की वैल्यू निकाली और दूसरे वैल्यू में जाके डाल दिया. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं. एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चला गया, बहुत अच्छी बात है, प्लस टू एल एन इज इक्वल टू जीरो. ऐसा कुछ आया, टू कॉमन लेके हटा दो, ठीक, और इन दोनों से एल कॉमन ले लो, तो आपको मिला एल प्लस एन इक्वल टू जीरो. ये समझ में आया. देखो टू तो चला गया आपका, एल बाहर ले लिया तो एल प्लस एन. तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि या तो आइदर, दो केस बन रहे ना, आइदर मेरा एल जीरो है और ठीक है, और क्या एल मेरा माइनस एन है. ये बातें समझ में आई आप लोगों को. एक बार इसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या मिल रहा है कि एल जीरो है. दूसरी बार इस वाले फैक्टर को जीरो से इक्वेट करो तो क्या मिल रहा है, एल की वैल्यू माइनस एन मिल रही है. तो या तो ये या तो ये, बस इसी से आपका काम हो गया. देखो अगर एल जीरो है, एल अगर जीरो है तो इस वाले इक्वेशन में डालो, इक्वेशन स्टार में. दो केस बन गए ना, आइदर और, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ केस वन केस टू, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को. यहाँ अपन लिख देते हैं दिस इज केस वन और यहाँ लिख देते हैं केस टू. ठीक है, केस वन क्या है कि एल इक्वल टू जीरो, केस टू क्या है कि एल प्लस एन इक्वल टू जीरो, यानी कि एल इज इक्वल टू माइनस एन. अब अपना ये जो केस वन है ना, एल इक्वल टू जीरो, यहाँ जाके इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको एम कितना मिलेगा, माइनस एन. ठीक है, और एन क्या ही होता है, एन तो एन रहने दो. ये क्या किया मैम आपने, अरे इन लोगों ने हमें दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन दिया था. इन लोगों ने हमें डीसी दिया नहीं था कि डीसी क्या है, सिर्फ एक रिलेशन दे दिया था. तो हमने क्या किया, सॉल्व किया, एल की वैल्यू जीरो मिल गई, एम की वैल्यू माइनस एन मिल गई और एन की वैल्यू हमने खुद कह दिया कि एन ही है. ओके ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे. केस टू में एल की वैल्यू जब माइनस एन है, इक्वेशन स्टार में जाके आप रख दो एल की जगह पे माइनस एन, तो माइनस एन प्लस एन कितना मिल रहा है, जीरो, यानी एम कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है. ठीक, और एन कितना हमने खुद ही कह दिया एन, तो ये आपको कुछ डीसी मिले इस टाइप के. अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज तो मैम एनी थ्री नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इन दोनों लाइंस का, केस वन ने आपकी पहली लाइन रिप्रेजेंट कर दी, केस टू ने आपकी दूसरी लाइन रिप्रेजेंट कर दी. ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहां पे लिखो आर प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, दे आर थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन. अब पहली वाली लाइन के डीसी ये हैं, तो डीआर क्या होंगे, कोई भी ऐसे तीन नंबर सोचो जो इनसे प्रोपोर्शनल होंगे, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, जीरो माइनस वन एंड वन. ठीक है, और दूसरी लाइन के लिए देख लो आप, दूसरी लाइन के लिए क्या मिलेंगे आपको, ऐसे कोई तीन नंबर जो इनसे प्रोपोर्शनल हो, तो क्या मिलेगा, माइनस वन जीरो वन. ठीक है, क्लियर है ये चीज, तो आप अच्छे से जाओ तो ऐसे भी समझ सकते हो, सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स ले लो, जीरो माइनस वन वन माइनस वन जीरो वन. ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. तो आपको डी आर्स मिल गए, तो ये वाले जो डी आर है पहली लाइन के हैं, इसे मैं ए वन बी वन सी वन कह देती हूँ, इसे मैं ए टू बी टू सी टू कह देती हूँ. मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मैम कॉस थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन द लाइन्स चाहिए. तो चलो फिर कॉस थीटा निकालते हैं अपन. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बोलो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इन टू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू जीरो इंटू माइनस वन जीरो, तो यहाँ मिला जीरो. फिर क्या है, बी वन बी टू
माइनस वन इंटू जीरो जीरो, तो यहां मिला आपको क्या जीरो, प्लस सी वन सी टू वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन, तो यहां आपको मिल गया एक डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, मतलब कि टू, अंडर रूट टू, ठीक, फिर इनटू क्या माइनस वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी कि रूट टू, तो यहां भी आपको मिल रहा है रूट टू, पॉजिटिव ही था ऑलरेडी इसलिए बनाया नहीं, लेकिन ठीक है चलो। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू मिला, ठीक है, रूट टू इंटू रूट टू इज टू, तो थीटा कितना मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा कॉस इनवर्स हाफ। अब सोचो कॉस के टेबल में हाफ कब आता है, कॉस के टेबल में मम्मी टेबल क्या होता है, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कॉस के टेबल में हाफ कब आता है, कॉस के टेबल में हाफ आता है 60 पे। सो थीटा कितना आ गया आपका, आपका थीटा आ जाता है पाई बाई थ्री। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो और फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है चलो। सो आई होप ये डन है, अब हम चल सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए आप लोग। इफ अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशंस हैज डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एंड एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एंड एन प्लस डेल एन, शो दैट द स्मॉल एंगल डेल थीटा बिटवीन द टू पोजीशंस इज गिवन बाय दिस। क्या क्वेश्चन था ये? कोई एक वेरिएबल लाइन है और वो एडजेसेंट पोजीशंस पे है, अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे है, एडजेसेंट पोजीशंस पे है और उनके हमें डीसी दे रखे हैं। तो पहली वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये सामने रखे हैं आपके, आपको बताना है कि जो इन दोनों लाइंस के बीच में छोटा सा एंगल डेल थीटा है ना, वो इस रिलेशन से दिया जाता है, ठीक है। तो दो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स के डीसी हैं, हमें बताना है कि दोनों लाइन्स के बीच में जो थीटा है वो ये है, ठीक है, सब डन, ओके जी। अब यहाँ पे ना आप जानते हो कि अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो कॉस थीटा हम कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा हम निकालते हैं एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू से, ठीक है, इस तरीके से हम अपना कॉस थीटा निकालते हैं। एल वन एम वन एन वन ये रहे आपके पास, एल टू एम टू एन टू ये रखे हैं आपके पास, ठीक है। सो इस रिलेशन का तो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ये तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। और वैसे भी देखो आपको ना कोई परफेक्ट आंसर लेके नहीं आना, आपको यहाँ पे जो भी इन दोनों के बीच में थीटा है ना उसका एक रिलेशन लेके आना है, तो हम आसानी से इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहली लाइन है ना उसके डी सी क्या है, एल एम एन। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन कितना है, एल एम एन, और हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हम जानते हैं, तो हमने पहली लाइन पे ये रिलेशन लगा दिया। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एडजेसेंट लाइन, अब इसी लाइन के एडजेसेंट में दूसरी लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या गिवन है, एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एन, ठीक है, एक लाइन थी उसके एलिमेंट डी सी थे, दूसरी लाइन जैसे उसके बगल में थी और उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, ये रखे हैं सामने। अब इसमें भी लगा दो रिलेशन, यही वाला रिलेशन इसमें भी लगेगा, है ना, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको मिलेगा एल प्लस डेल एल का स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब डी सी है तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पे ये रिलेशन तो लग जाता है। यहाँ तक सब ठीक है, पहली लाइन के डी सी थे रिलेशन लगा दिया, दूसरी लाइन के ये डी सी थे तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू वन, ओके, आपका एल क्या है, एल प्लस डेल एल, तो इसका स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल एन का स्क्वायर कितना देगा, वन देगा। इसको थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं ना, तो इसको ओपन भी कर लेते हैं अपन। जब आप इसे ओपन करेंगे आपको क्या मिलेगा, इधर आ जाओ,
सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो एल स्क्वायर प्लस डेल एल का स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो टू एल डेल एल प्लस इधर लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, एम स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस नीचे आ जाए टू एम डेल एम, ठीक है। अब इसमें लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखोगे टू एन डेल एन एंड दिस इज इक्वल टू वन। कुछ कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या करती जा रही हूँ। मेरे हाथ में दो लाइन थी, पहली लाइन के डीसी थे एल एम एन, तो बेसिक सब वही रिलेशन लगा दिया एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। इसकी लाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे एक और लाइन थी, तो उसके लिए क्या रिलेशन, यही रिलेशन लगेगा, लेकिन आपका एल कौन है इस बार, एल प्लस डेल एल, एम कौन है एम प्लस डेल एम, और एन कौन है एन प्लस डेल एन। तो इन सब के स्क्वायर किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया एंड दैट इज इक्वल टू वन। ओके, अब यहाँ पे स्टेप आगे बढ़ रही थी तो हमने भी बढ़ा दी। अब सुनो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे वन। अब जो लाइक टर्म्स है ना, जैसे डेल एल का होल स्क्वायर, डेल एम का होल स्क्वायर, डेल एन का होल स्क्वायर, उन्हें साथ में लिख लेते हैं अपन। सो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर प्लस, अब ये टू वाले जो टर्म्स है ना उसमें से टू कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, दिस इज टू एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने। देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन हो गया, जो होल स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको साथ में लिखा, और जो ये टू वाले टर्म्स थे उसमें से टू बाहर ले लिया और उसको एज इट इज लिख दिया, और इज इक्वल टू में वन था। देखो ये वन और ये वन तो चला गया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो आप इसे हटा दो और इसे हटा दो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब यहाँ से ना आप एक काम करो, इसको उठा के वहाँ ले जाओ, ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म्स को, और इसको इधर ही लिखे रहने दो। सो दिस इज टू एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन इज इक्वल टू, ये स्क्वायर वालों को मैं इज इक्वल टू के इस साइड ले गई, तो कितना मिला मुझे, थोड़ा नीचे से लिखो इसे, देखो टू लिखा है बाहर, एल डेल एल एम डेल एम प्लस एन डेल एन इज इक्वल टू, इस पूरे को इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ रही हूँ, तो क्या मिलेगा, डेल एल का स्क्वायर डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर। ठीक है, सब बढ़िया। चाहो तो इस टू को भी यहाँ सेंड कर सकते हो, उसको अपन बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ पे इसे इक्वेशन स्टार बना देते हैं। अब मैम इससे हुआ क्या, देखो मैं आपको सही बताऊँ ना, जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि दो लाइन्स मेरे पास हैं, पहली लाइन की डी सी है, दूसरी लाइन की डी सी है, तो मैं क्या जानती हूँ, अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है तो बस मैं इस रिलेशन को जानती हूँ, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। तो मैंने यही रिलेशन, देखो पहली वाली लाइन की डी सी तो एल एम एन थे वहाँ लगा दिया, दूसरी लाइन के डी सी ये थे, थोड़े अलग थे लेकिन है तो डी सी, तो इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वही रिलेशन इसमें लगाया। फिर कुछ नहीं, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानती थी, तो मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन तीनों में लगा दिया। जब मैं इतना आगे बढ़ रही थी ना, तो मुझे नज़र आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो होता है वन, तो उसे मैंने वन लिख दिया, यहाँ से मुझे वो मिल ही गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, अगर बचपन में यही एक्सप्रेशन आपको मिलती तो आप क्या करते, जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लिखते, वही काम मैंने किया। तो जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स थे उनको साथ में लिखा, और जिनके पास टू थे उन्हें साथ में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, शिफ्ट कर दिया बस एक को। अब देखते हैं कि क्या करना है। ओके, अभी तक तो हम बस नॉर्मली चलते जा रहे थे, हमें खुद ही स्टेप्स मिलती जा रही थी। अब सुनो, अब क्योंकि इन लोगों ने एंगल की बात करी है और डी सी हमें दे रखे थे, उनका हमने इतना कुछ कुछ काम कर लिया, अब इन्हें एंगल चाहिए, राइट, और क्या बोला है कि स्मॉल एंगल है डेल थीटा। मान लो पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी,
इसके डीसी थे आपके पास, इसके डीसी भी थे, और इन दोनों के बीच का जो छोटा सा एंगल है वो कितना है, डेल थीटा। अब यहाँ डीसी है, यहाँ डीसी है, बीच में एंगल है, तो हमारे पास भी तो रिलेशन है। हमारे पास कौन सा रिलेशन है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा वो क्या होता है, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। सही बात है। यहाँ पे आपका थीटा क्या है, क्वेश्चन ने क्या दिया है, डेल थीटा, तो आप लोग वो ही बना दो। आपके पास एल वन कितना है, एल, ये एम वन कहाँ है, ये एल वन एम वन एन वन, ये एल टू एम टू एन टू बन जाएंगे, ठीक है। सो एल वन इंटू एल टू, तो एल आप लिखेंगे एल इंटू एल प्लस डेल एल प्लस एम वन इंटू एम टू। एम वन मतलब एम, एम टू मतलब ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो आप, तो आप लिखेंगे एम इंटू एम प्लस डेल एम प्लस सेम कहानी एन वन एन टू के साथ, तो एन फिर एन प्लस डेल एन। यहाँ तक किसी को कोई भी दुख तकलीफ परेशानी है तो बताओ, सब ठीक है, बस वैल्यूज रखिए, फॉर्मूलेज हमें याद है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करो, एल स्क्वायर प्लस एल डेल एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एम डेल एम प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डेल एन। अच्छा अब आप मुझे खुद ही बताओ मैं क्या करने वाली हूँ। मैम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को आप वन लिखने वाले हो, वेरी गुड, ठीक है। तो बस आपको ना एक आध स्टेप पकड़नी है, बाकी रास्ते आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को वन लिखना है, तो लिख देते हैं। सो दिस इज कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू वन, ओके, प्लस एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन। मैम इससे लेकिन कुछ हुआ नहीं, हमें तो ये लेके आना था रिलेशन, ऐसा डेल थीटा का होल स्क्वायर आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी सुनते चलो बस। आप, आपको ना ऐसा कुछ मिला लेकिन मज़ा नहीं आया, राइट, सही कह रहे हो। ये इसकी कुछ वैल्यू थी ना आपके पास, चेक तो करो कितनी वैल्यू आई आपकी, ये रही सामने। एक और चीज़ तो देखो यहाँ पे, आपने इसको इज इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट किया था तो नेगेटिव साइन कहाँ चला गया, यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी आएगा, राइट। देखो ना ये टर्म यहाँ लिखा है, इस पूरे तीनों टर्म को उठा के मैं यहाँ लेके गई, तो एक काम करो नेगेटिव बना लो और ऐसा ब्रैकेट बना लो, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओके, ठीक है। इस पूरे को यहाँ ले गए तो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया। हाँ हम लोग आए थे यहाँ पे क्या फाइंड करने, एल डेल एल एम डेल एम और एन डेल एन की वैल्यू फाइंड करने। ये टू एक्स्ट्रा है, इस टू को भी यहाँ सेंड कर देंगे तो माइनस वन बाई टू, ये तो माइनस वन बाई टू और ये पूरा इज द वैल्यू ऑफ इसकी, तो रख दो यहाँ पे आके, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ रखेंगे, सो दिस इज कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू वन माइनस हाफ ब्रैकेट, क्लियर है ना, ये टू यहाँ पे आ गया तो माइनस हाफ और फिर ये पूरा आपका ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर। सब ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे ना आप लोग देखो कितना आपका आंसर आ चुका है वो देखो, ये मिल गया है आपको, डेल थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म्स क्या है, ये वन माइनस हाफ कॉस, ये सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, तो इसे गायब करना है। तो देखो आप लोग ना कॉस थीटा की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ जानते हो, जिसमें से एक आइडेंटिटी आप जानते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, एक आइडेंटिटी आपकी ये होती है। तो कॉस थीटा बोलूँ या कॉस डेल थीटा बोलूँ तो आइडेंटिटी तो आपकी कुछ ऐसी ही बनेगी, कैसी बनेगी, ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह डेल थीटा बाई टू, ओके। तो मैं कॉस डेल थीटा की जगह पे इसे रिप्लेस कर रही हूँ, कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, लगा दो। तो कॉस डेल थीटा को हमने रिप्लेस किया वन माइनस टू साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस हाफ एंड ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज। तो यहाँ लिखोगे आप डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस ये रहा आप लोगों का डेल एन का स्क्वायर,
कोई दिक्कत किसी को? देखो एक बार, cos थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो cos डेल थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाय 2, ठीक है? तो उसको ही मैंने वहां लगाया. अब इसको मैं हटा सकती हूँ यहां से. सब सही चल रहा है? अच्छा ठीक है. अब सुनो, ये 1 और ये 1 चला जाएगा, ठीक है? ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा. ये 2 यहाँ पे है तो वो 4 बन जाएगा. तो ये काम जरा करते हैं नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ. सो आपको मिला 4 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, कहाँ गया, कहाँ चले गए अपन? काफ़ी दूर चले गए अपन. इधर आओ, ये देखो 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया, 2 गया वहाँ पे, तो 2 2s 4, 4 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, और ये रही आपकी एक्सप्रेशन. तो ठीक है, इसे लिख देते हैं अपन डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर. मैम अभी भी आंसर आया नहीं है आपका. अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो आप लोग. क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये जो एंगल है ना डेल थीटा, ये स्मॉल एंगल है. अगर डेल थीटा छोटा एंगल है, डेल थीटा, दिस इज डेल, ओके, डेल थीटा क्वेश्चन ने कहा था स्मॉल है, तो डेल थीटा बाई 2 कैसा होगा मैम? और भी ज्यादा स्मॉल होगा, मतलब काफी छोटा हो जाएगा, है ना? तो जरा ये बताना मुझे, साइन डेल थीटा बाई 2 कितना लिख सकती हूँ मैं? इसे मैं लिख सकती हूँ डेल थीटा बाई 2. मुझे पता है बहुत से लोगों के ऊपर से जाएगा ये कि मैम क्या कर रहे हो आप लोग, लेकिन ऐसा होता है. आपका एंगल छोटा है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि अगर मैं उसकी साइन वैल्यू ले लूँ ना तो मुझे वही एंगल मिल जाएगा, ठीक है? सो साइन डेल थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डेल थीटा बाई 2. आगे जब आप मैथ्स पढ़ोगे ना, आप इस चीज़ का बहुत यूज़ करोगे, तो इसलिए अभी से सीख लो. इनने बोला एंगल छोटा, हमने किया डिवाइड बाई 2, डेल थीटा बाई 2 तो और भी छोटा होगा. अब उसके आगे साइन लगाए, तो साइन डेल थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? डेल थीटा बाई 2, इतना छोटा है कि वही आ गया, ओके? चलो अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं साइन डेल थीटा बाई 2 को किससे? डेल थीटा बाई 2. और यहाँ स्क्वायर लगाए तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 डेल थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, आप लिखेंगे डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर, ओके जी? इसका स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो आपको मिलेगा डेल थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर. एंड आई थिंक यही लेके आना था, चेक करो, यही लाना था क्या? डेल थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर. यस, यही लेके आना था. इस कंसेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश करो. एंगल कैसा है? छोटा है, उसका हाफ किया तो और छोटा, अगर उसका साइन लेंगे तो वही मिल जाएगा, इतना छोटा है कि वही है, उसकी हम क्या ही वैल्यू बताएं, ठीक है? ऐसा आप समझ लो. और इस चीज़ को फिर हमने वहाँ रिप्लेस किया और आपको आंसर मिल गया, ठीक है? तो उसका स्क्रीनशॉट लो. अच्छा क्वेश्चन है ये. यहाँ स्टार्टिंग में आप समझ गए ना हमने क्या मिस्टेक कर दी थी. हम लोग इसको तो यहाँ लिख रख दिया था, हम लोगों ने इसको जब 0 के उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस नहीं बनाया था, लेकिन मैंने अभी बना दिया है, आप उसे चेक कर लेना, ठीक है? ये वैल्यू एज इट इज इक्वल टू, ये पूरा जाएगा तो माइनस, ये 2 यहाँ जाएगा सो माइनस हाफ, और फिर हम आगे बढ़ते चले, ठीक? डन, स्क्रीनशॉट लिया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ. इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ए इज ए बी सी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ओ ए एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए एट राइट एंगल टू ओ ए. हल्का सा रफ फिगर बनाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है, ठीक? तो सबसे पहले इनने बोला है कि ओ आपका ओरिजिन है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 0, ओके? एंड ए इज ए बी सी, और ये रहा ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी. सबसे पहले तो आपको ओ ए के डी सी बताने हैं. तो ओ ए के डायरेक्शन कोसाइन, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट डी सी हम पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करना होता है? इसका सब्ट्रैक्शन इससे करो, डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ, राइट? फिर इसका सब्ट्रैक्शन इससे करो, डिवाइडेड बाय लेंथ. याद है आप लोगों को, बस वही फॉर्मूला लगाना है. तो आपको क्या मिलेगा? आप लिखेंगे ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाय ओ ए की लेंथ इज इक्वल टू नहीं कॉमा, बी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय ओ ए की लेंथ, उसके बाद क्या है,
सी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय OA की लेंथ। अब ये OA की लेंथ कैसे आएगी? OA की लेंथ आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। सो A माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, प्लस B माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर, प्लस C माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर। तो फाइनली आपको जो डायरेक्शन कोसाइन मिल रहे हैं ऑफ लाइन OA, OA लाइन के जो DC मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? A अपॉन OA की लेंथ कितनी है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमा B अपॉन OA की लेंथ यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमा, यहाँ पे लिखो आप, दिस इज कॉमा, C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आ गए ऑफ द लाइन OA। कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला याद था आप लोगों को? ठीक, तो बस उसी फॉर्मूले से हमने लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला था याद करो? मैंने जब आपको कंसेप्ट वीडियो दिया था तो PQ आपकी लाइन थी, यहाँ X1, Y1, Z1 थे, X2, Y2, Z2 था। तो हमने क्या किया था DC बताने के लिए? X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाई PQ, Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई PQ एंड Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई PQ। तो बस वही काम किया और OA के DC निकाल लिए। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अभी आपका खत्म हुआ नहीं है। ये तो पहला पार्ट था, आसानी से सॉल्व कर दिया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू A, फिर आपका प्लेन आ गया, ये रहा आपका प्लेन और ये प्लेन ना A से पास कर रहा है। ठीक, रफ फिगर है, ओके। तो प्लेन कहाँ से पास कर रहा है? A पॉइंट से पास कर रहा है और आपका प्लेन राइट एंगल है OA पे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी से बता दो, याद करो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, याद आया? तो यहाँ पे आपका प्लेन पास कर रहा है A पॉइंट से और परपेंडिकुलर है OA से, यानी OA किसका रोल प्ले करेगा? नॉर्मल का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो प्लेन की इक्वेशन होती थी, वेक्टर इक्वेशन क्या थी? R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू जीरो, याद आया? ये A वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट जिससे आपका प्लेन पास कर रहा है। तो आपका प्लेन तो ए बी सी से पास कर रहा है। n वेक्टर क्या है? वही परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन पे कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो वो तो आपका ओ ए है। अब चाहो तो वेक्टर इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो, अदरवाइज आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन। चलो लिख देते हैं, आ जाओ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन एंड जो परपेंडिकुलर है ना, जिससे आप जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके डी आर्स हैं आपके पास ए बी सी, तो वो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है? उस प्लेन की इक्वेशन होती है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी y माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला याद आया आपको कार्टेशियन इक्वेशन का? ठीक है, तो ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उस वेक्टर के जिसपे आपका प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर है, या फिर वो वेक्टर जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है उसके ए बी सी। तो यहाँ पे कौन है प्लेन से परपेंडिकुलर? ओ ए। तो ओ ए के डी आर बता सकते हो क्या आप? मैंने डी सी बोला क्या? डी आर्स होते हैं, ठीक है। सो ओ ए के डी आर्स क्या होंगे? टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ लिख देते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी कि ए, बी माइनस जीरो मतलब बी, सी माइनस जीरो मतलब कि सी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए कितना आ गया? ए बी सी। और यही वो वैक्टर है जो आपके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी ए बी एंड सी की वैल्यू कितनी आई है? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्लेन किससे पास कर रहा है? ए पॉइंट से। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अरे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी ए बी सी है, तो रखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी वाई माइनस बी प्लस सी जेड माइनस सी इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ कुछ? ये थी प्लेन की इक्वेशन। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला रिवाइज कराया, ये वो फॉर्मूला है कि आपका प्लेन एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट से पास कर रहा है और आपके प्लेन पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर है उसके डी आर्स ए बी सी है, तो ये इक्वेशन होती है। फिर हमारे पास क्या पॉइंट थे? हमारे पास पॉइंट थे ए बी सी
जिससे हमारा प्लेन पास किया है, और जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर है यहाँ पे दैट इज़ ओ ए, तो उसके डी आर्स कितने निकले, ए बी सी, बस वहाँ रख दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो, एकदम सही आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं अपन इसका, तो कितना मिलेगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको कितना मिला, क्या मिला, क्या मिला आप लोगों को, आपको मिला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, स्क्वायर वाले टर्म्स को इज इक्वल टू के उस साइड ले जा रही हूँ, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। आई नो आप लोगों ने मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, बस आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करना, ये मैंने सी बनाया है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक हल्का सा ना रफ फिगर बना लिया करो, इससे काफ़ी ना चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन, इफ अ प्लेन कट्स देम एट अ डिस्टेंसेस ऑफ ए बी एंड सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश फ्रॉम द ओरिजिन, प्रूव दैट दिस। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, प्लेन की इक्वेशन कहाँ है, तो सुनो, टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन, अगर प्लेन कट करता है एट डिस्टेंस ए बी सी, आप जानते हो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होता था, एक बार रिकॉल कराओ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे ये ए बी सी क्या होते थे, इंटरसेप्ट, मतलब कि आपके प्लेन ने x एक्सिस को कहाँ कट किया, y एक्सिस को b पे कट किया एंड z एक्सिस को c पे कट किया। तो यहाँ पे भी इनने वही बोला है, अगर प्लेन कट्स देम एट अ डिस्टेंसेस ऑफ ए बी सी, मतलब ये उसका x, y एंड z इंटरसेप्ट है। सिमिलरली जो दूसरा रेक्टेंगुलर सिस्टम है वहाँ पे आपके प्लेन ने उसे a डैश b डैश और c डैश पे कट किया है। तो देखा जाए तो जो आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन वाली। ओके ओके, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इक्वेशन बना लेते हैं प्लेन की। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आप लिखेंगे यहां पे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके, विद रेफरेंस टू टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, विद रेफरेंस टू टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है, दो अलग सिस्टम है रेक्टेंगुलर एक्सिस का, तो उससे हम रेफरेंस ले रहे हैं और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बता के इन्हें दे रहे हैं। तो क्या क्या बनेगी आपकी, पहली इक्वेशन ऑफ द प्लेन आएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। दूसरे वाली प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, वही आप रेफरेंस ले रहे हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस का, तो इक्वेशन आएगी x अपॉन ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश प्लस सी अपॉन सॉरी प्लस जेड अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वन, एंड दिस इज माई प्लेन टू। अब सिंस प्लेन वन एंड प्लेन टू हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा हमने कह रहे क्वेश्चन नहीं कहा है कि टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन, तो आप यहां पे लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, आप पूरा कॉपी करेंगे स्टेटमेंट को, हैव सेम ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन सेम है, तो हैव सेम ओरिजिन इनने बोला, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से आप प्लेन वन का डिस्टेंस और ओरिजिन से प्लेन टू का डिस्टेंस निकालोगे तो सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन, तो ओरिजिन से प्लेन वन का डिस्टेंस एंड ओरिजिन से प्लेन टू का डिस्टेंस सेम होगा, तो लिख दो यहाँ पे, देयरफोर प्लेन वन ओके एंड प्लेन टू
प्लेन वन एंड प्लेन टू आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. प्लेन वन एंड प्लेन टू हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन से इन दोनों ही प्लेन का डिस्टेंस कैसा होगा? सेम होगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें तो ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, बस पहुँच रहे हैं वहाँ तक अपन. देखो यार, आप लोगों का एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए. कौन सा वाला? ये पॉइंट है और ये रहा प्लेन, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला था कार्टेशियन वाला, बताओ. फॉर्मूला था आपके पास, सपोज कर लो ये प्लेन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन जेड वन. तो इस पी पॉइंट का इस प्लेन से कितना डिस्टेंस है कैसे निकालते थे? कार्टेशियन वाला फॉर्मूला बताओ. बिल्कुल सही जवाब. आप क्या करोगे, इस प्लेन में एक्स वाई जेड की जगह पे एक्स वन वाई वन जेड वन सब्स्टिट्यूट करते थे. सो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, और ये डी यहाँ पे आएगा माइनस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था. अब इस बार आपके साथ क्या हुआ है कि जो पॉइंट है ना, इन लोगों ने क्या बोला कि प्लेन वन एंड प्लेन टू का सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से. मतलब प्लेन वन के लिए भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, प्लेन टू के लिए भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है. वो बात अलग है, दोनों डिस्टेंस सेम है तो हम इक्वेट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्टेंस तो लो. तो डिस्टेंस कैसे लेंगे? मान लो प्लेन वन है आपका, प्लेन वन की बात कर रही हूँ, कहाँ से लेना है डिस्टेंस? ओरिजिन से, क्योंकि क्वेश्चन ने ओरिजिन मेंशन किया है. और प्लेन कैसा दिखता है आपका? प्लेन आपका दिख रहा है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन. तो चलो आ जाओ जरा इसका डिस्टेंस लेते हैं. तो प्लेन वन का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस आएगा आपके पास एक्स वाई जेड की जगह पे क्या रखोगे? जीरो जीरो जीरो. ठीक है, याद है ना वो पूरा. और ये ए बी सी क्या थे आपके? डी आर. तो आपके ए बी सी क्या है? वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी. लेकिन एक्स वाई जेड की जगह पे ये पॉइंट रखोगे तो कितना मिलेगा? जीरो जीरो जीरो. यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे जीरो बाई ए प्लस जीरो बाई बी प्लस जीरो बाई सी माइनस वन. ठीक है, ये बॉर्ड बना है आपका. फिर नीचे क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आपका ए कौन है? वन बाई ए. ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? वन बाई ए का स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर. ये तो प्लेन वन का डिस्टेंस हो गया. अब प्लेन टू का डिस्टेंस निकालते हैं अपन. ठीक, तो प्लेन टू का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? एक काम करो, चलो यहाँ पे ना आपका यही प्लेन लिख देती हूँ, वरना आप बोलोगे कन्फ्यूजन हो रहा है मैम. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी. ओके, अब आपका जो प्लेन टू है वो कैसा दिखता था? मैं इसको यहाँ पे थोड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ. आपका प्लेन था एक्स बाई ए डैश प्लस वाई बाई बी डैश प्लस जेड बाई सी डैश इज इक्वल टू वन, है ना, इज इक्वल टू वन. ये आपका प्लेन था. तो बस कंपेयर करो, जब ऐसा था तब ये फॉर्मूला. तो आप एक्स वाई जेड की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या रख देते हैं? एक्स वन वाई वन जेड वन. तो आपका यहाँ पे बेसिकली पी पॉइंट में क्या होता था? एक्स वन वाई वन जेड वन, है ना. तो आपके एक्स वन वाई वन जेड वन कौन है? जीरो जीरो जीरो. तो आप क्या रखेंगे? जीरो बाई ए डैश, जीरो बाई बी डैश, जीरो बाई सी डैश, माइनस डी. आपका माइनस डी मतलब माइनस वन. ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में हम चल रहे हैं दूसरे प्लेन के लिए. मैम आप इज इक्वल टू में क्यों चल रहे हो? क्वेश्चन ने बोला है दोनों प्लेन का डिस्टेंस सेम है, तो ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का सेम है, तो इक्वल करके चल रहे हैं. ठीक, तो रखो यहाँ पे पॉइंट है आपका ओरिजिन, मतलब जीरो जीरो. तो जीरो बाई ए डैश प्लस जीरो बाई बी डैश प्लस जीरो बाई सी डैश माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट. अब देखो, जब आपका प्लेन ऐसा होता था तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स के जो कोएफिशिएंट्स होते थे उनका स्क्वायर का सम. तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? वन बाई ए डैश. तो वन बाई ए डैश का स्क्वायर, सो वन बाई ए डैश का स्क्वायर, ये ट्वेल्व ना समझे, इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, वन बाई ए डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई बी डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई सी डैश का स्क्वायर. सब ठीक है, मॉड से जब बाहर देखो, ये तो तीनों जीरो हो गए, जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस वन. तो आपको मिला वन अपॉन अंडर रूट
वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही कहानी, ये तो जीरो, ये रहा माइनस वन, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में है वन बाई ए डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई बी डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई सी डैश का स्क्वायर, क्रॉस कर दो तो क्या मिलेगा आपको, आंसर क्या लाना है, आंसर ये लाना है, बस आ गया, क्रॉस करो क्या मिलेगा, अंडर रूट वन बाई ए डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई बी डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई सी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहाँ पहुँचा दो तो क्या मिलेगा, अंडर रूट वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर, क्योंकि आपके आंसर में कहीं रूट नहीं है, ये फॉर्मूला आप समझ चुके हो, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और आंसर में कहीं रूट नहीं ना तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायरिंग दोनों तरफ तो आंसर कितना, जो पहले लिखना चाहो वो लिख लो, सो वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई ए डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई बी डैश का स्क्वायर प्लस वन बाई सी डैश का स्क्वायर, दैट्स इट, ओके क्वेश्चन क्लियर है, यही लाना था क्या, यही लाना था, ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट ये वाला भी नहीं था, बस आपको यहाँ पे समझना था कि हम कर क्या रहे हैं, प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इन लोगों ने क्या कहा था कि टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस थे आपके पास, ठीक है, तो इक्वेशन हमें गिवन नहीं थी, लेकिन इनने क्या बोला था कि प्लेन जो है ना वो ए बी सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इन पॉइंट पे ना कट कर रहा है, समझ जाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ के ना टेंशन नहीं लेना है आपको, ये कुछ नहीं है, आपके वही कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली बात है, ओके, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद रेफरेंस टू टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, तो आपने यहाँ पे दो प्लेन की इक्वेशन बना के रखनी है, ओके, फिर इनने क्या बोला कि जो दोनों प्लेन है ना उनका सेम ओरिजिन है, ठीक है, तो सेम ओरिजिन रहने दो, अगर दोनों प्लेन का ओरिजिन सेम है तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस, प्लेन वन का एंड ओरिजिन से प्लेन टू का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा, ओरिजिन दोनों का सेम है तो ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस कैसा होगा, बराबर होगा, फिर अचानक से आपको याद आएगा वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे लेते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन, वो मैंने आपको पूरा यहाँ एक्सप्लेन किया था, तो ये रहा मेरा प्लेन वन का डिस्टेंस, प्लेन टू का डिस्टेंस, दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों हम ओरिजिन से ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेम ओरिजिन है, ओके, बस फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज रखी एक्स वाई जेड की जगह पे जीरो, और फिर क्रॉस किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, और आपका आंसर आ गया, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, तो इसको अच्छे से समझना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है, चलो, सो इसके साथ ही हमने पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 to 15 फिनिश हो चुके हैं, 1 to 8 आप पार्ट 1 में देख चुके हैं, एंड 9 to 15 हमने इस वीडियो में फिनिश कर दिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, टिल देन आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के जब सर्च करेंगे ना तब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, सब कुछ पूरा कंटेंट यहाँ पे ना आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा अरेंज्ड, तो सपोज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब आपको यहाँ अरेंज मिल जाएगी, तो सपोज क्या आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपको पढ़ना है मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो जाएंगे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक पुराना इंडेक्स ओपन हो जाएगा, एक इस टाइप का पेज आएगा, यहाँ आप देखोगे हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं सब एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड है, ओके, तो आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसकी लिंक पे क्लिक करना, मैं आपको मिल जाऊंगी यहाँ पढ़ाते हुए, ओके, सो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, टिल देन टेक केयर।